ओके, पेज नंबर 132, बुकलेट का पेज नंबर 132, आगे देखो, बुकलेट का पेज नंबर 132 और टॉपिक का नाम एडी करंट्स। देखो एडी करंट्स बेसिकली क्या है, हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि सपोज, ध्यान आगे प्लीज, अगर आपके पास ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक, ध्यान आगे, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के इनसाइड कैपिटल बी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल बी को इंक्रीज कर रहे हैं, सर्कुलर लूप अपने इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने के लिए बी कैसे जनरेट करेगी, बाहर, और डायरेक्शन करंट की कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये रूल है, क्योंकि अगर बी इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल अपना बी बाहर करके करंट को एंटी क्लॉकवाइज जनरेट कर लेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में लूप की जगह मैं शीट बोलूंगा, मान लो ये एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक, डिस्क है, कंडक्टर की बनी हुई है, और मैं, क्वेश्चन सेम है, बी को मैं इनसाइड इंक्रीज कर रहा हूं, डिस्क नहीं चाहती कि उसका फ्लक्स इंक्रीज हो, तो डिस्क अपने अंदर करंट इंड्यूस कर लेगी क्योंकि है तो कंडक्टर, ताकि अपना बी कैसे कर दे, बाहर, तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पर डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज शो कहां करूं, आउटर बाउंड्री पे करूं या अंदर भी करूं, कुछ ऐसे, शीट के अंदर करंट आपको ऐसे दिखाई देगा, इंड्यूस करंट ही करंट, बहुत सारे इंड्यूस करंट जनरेट हो जाते हैं शीट में, और इन बहुत सारे करंट्स को एडी करंट्स बोलते हैं। अगर सिंगल वायर होती तो एक करंट है, शीट है तो कंसेंट्रिक बहुत सारे करंट्स हैं। रूल वही है लेंज लॉ का, अपने बी को इंक्रीज ना होने के चक्कर में ये करंट जनरेट कर देती है, और इस तरीके से जनरेट करती है कि आपके बी को क्या कर सके, अपोज कर सके। ठीक, इसको एडी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि अगर आप किसी साइक्लोन को देखो या किसी ओशन में देखो, जब तूफान आता है तो इस तरीके से पानी ऐसे घूमता है, ये देखो कुछ इस तरीके से हवा भी चलती है और पानी का मोशन भी ऐसा होता है, जैसे वर्लपूल मशीन भी आती है, वर्लपूल, तो वर्लपूल नाम वहीं से आया क्योंकि पानी उसके अंदर इस तरीके से घूमता है, वर्लपूल। वर्लपूल का दूसरा नाम एडी है, एडी करंट्स, तो इसलिए इसका नाम एडी करंट्स के नाम से रखा गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये कंसेंट्रिक फॉर्म में रहते हैं, है ये इंड्यूस करंट, बहुत सारे इंड्यूस करंट को एडी करंट्स बोलते हैं। तो एडी करंट्स क्या है, इन इंड्यूस इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर चेंजेस। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी फाई बाय डीटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर। तो रूल वही रहेगा इंड्यूस करंट या एडी करंट्स निकालने का, बाकी जो है कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स के अंदर, अब अगर आपको याद हो आपने गैल्वेनोमीटर सीखा था, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या था, एक वायर थी, ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग के साथ ये लूप इस तरीके से लटक रहा था ऐसे, राइट, करंट मेजर करने के लिए आप करंट को इसमें सेंड करते हो, करंट इसमें जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है लूप, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी होती है, इट विल जनरेट अ टॉर्क, तो ये घूम जाती है, एक एंगल पे आके रुक जाती है और हम करंट को मेजर कर लेते हैं बाय मेजरिंग एंगल थीटा, यही कॉन्सेप्ट होता है। मान लो जी मैंने करंट मेजर कर लिया, ठीक, ये लूप ऐसे बेंड हुई, करंट मैंने मेजर कर लिया, करंट मैंने ऑफ कर दिया, मेजर करके मेरा काम खत्म हो गया, पर अभी भी ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, अभी ये घूम सकती है, हवा में झूल सकती है, ऐसे झूलेगी। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसी अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है, इट विल चेंज द फ्लक्स, जैसी फ्लक्स इसका चेंज होगा, इंड्यूस करंट इसमें अपने आप ही जनरेट हो जाएगा, ये मेरा मेजरेबल करंट नहीं है, अनवांटेड करंट है जो अपने आप ही पैदा हो गया, बिकॉज इस कॉइल का क्या चीज चेंज हो गई, फ्लक्स, इसका फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें इंड्यूस करंट आ गया, वो करंट इसमें मुझे जो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर, उसने कर दिया जो कि करना नहीं चाहिए था। ठीक, इस चीज को दूर करने के लिए हम एक काम करते हैं, कॉइल को हम एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, शीट के ऊपर लपेटते हैं। अगर आपको याद हो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कॉइल को लपेटा गया था, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटते हैं, वो सॉफ्ट आयरन कोर बोल सकते हो या ये शीट बोल सकते हो, एक शीट के ऊपर लपेट देते हैं, उससे क्या फायदा होता है, जैसी ये कॉइल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो इसका फ्लक्स मैक्सिमम है, जैसी ये कॉइल किसी भी तरीके से ऐसे घूमती है, अपने फ्लक्स को कम करती है या ऐसे घूमती है फ्लक्स को बढ़ाती है,
तो जैसे ही इसका फ्लक्स कम होता है, ये क्वाइल जो शीट है अंदर, जो शीट है वो कहती है ऐसे कैसे मेरा फ्लक्स कम कर दिया, मैं अपने अंदर इंड्यूस करंट जनरेट कर लूंगी। तो अगर पूछा जाए कि इंड्यूस करंट से होगा क्या, जो इंड्यूस करंट इसमें जनरेट होगा, क्योंकि करंट कैरिंग क्वाइल इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल जनरेट अ टॉर्क। तो ये कहती है मैं अपने अंदर करंट ऐसे पैदा कर लूंगी, ऐसे जनरेट कर लूंगी सच दैट कि इसमें टॉर्क जनरेट होगा, और अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ताकि इसका फ्लक्स चेंज ना हो, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर लेगी। कैसे? बाय जनरेटिंग इंड्यूस्ड करंट्स या एडी करंट्स। तो एडी करंट्स अपने आप ही इसमें पैदा होते जाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग कि मोशन क्या है। तो अगर मोशन मान लो मींस अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो एडी करंट ऐसे जनरेट होंगे कि आपके टॉर्क के ऑपोजिट टॉर्क जनरेट करके फ्लक्स को बढ़ने नहीं देंगे, और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो एडी करंट ऐसे जनरेट होंगे कि आपके डिक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। तो हर हालत में ये मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो इनकी करेक्टरिस्टिक है ये शीट के अंदर ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि इसकी मोशन को अपोज करते हैं ताकि कोई भी फ्लक्स का चेंज जो है वो इसमें ना हो सके। क्लियर? तो अगर आप ऐसी गैल्वेनोमीटर बनाते हो जिसमें क्वाइल बिल्कुल मूव नहीं कर सकती ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मूव करने की कोशिश करती है तो एडी करंट मूव नहीं करने देते, इस टाइप की गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर इस इफेक्ट को खत्म करते हैं, और डेड बीट गैल्वेनोमीटर कैसे खत्म करते हैं, क्वाइल को हम लपेटते हैं किसके ऊपर, एक शीट के ऊपर, ताकि एडी करंट मोशन को खत्म करें। मोशन को खत्म करने को हम फिजिक्स में SHM में बोलते थे डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाए, खत्म हो जाए, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब मोशन का क्या हो जाना, खत्म हो जाना बाय प्रोड्यूसिंग एडी करंट्स। क्लियर यहां तक? तो इसकी पहली एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है कि लेट अस सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड में आपने करंट को पीछे से ऑन किया और मान लो करंट इंक्रीज हुआ, इसके ऊपर एक ढक्कन पड़ा हुआ है, एक ढक्कन मींस एक कंडक्टिंग, एक कंडक्टर पड़ा हुआ है। तो ये कंडक्टर, ये रहा शीट पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई थी, जैसे आप इसका करंट बढ़ाते हो इसका बी बढ़ता है इस तरफ, जैसे इसका बी बढ़ता है शीट में से पास होता है, शीट कहती है ऐसे कैसे बी बढ़ा दोगे, मैं इसमें ऐसा करंट जनरेट करूंगी कि मैं इसको अपोज करूंगी और इसे दूर चली जाऊंगी। जैसे अगर आपने सोलेनोइड में ये नॉर्थ पोल जनरेट किया तो शीट के नीचे करंट ऐसे दौड़ेगा कि यहां पर भी नॉर्थ हो जाए, नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल, तो ढक्कन एक इंस्टेंट के लिए हवा में उछल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्लक्स इंक्रीज किया था, अपने फ्लक्स को इंक्रीज ना होने देने के चक्कर में ये शीट आपसे दूर भाग गई ताकि इसका फ्लक्स कम हो जाए। तो दिस इज अगेन ड्यू टू जनरेशन ऑफ एडी करंट्स, क्योंकि इंड्यूस करंट चेंज इन फ्लक्स को अपोज करते हैं, आप फ्लक्स को बढ़ाओगे तो ये दूर करने के चक्कर में दूर चला जाएगा। ठीक, एडी करंट्स को कम भी किया जा सकता है शेप चेंज करके। कैसे? एडी करंट्स जैसे कि शीट रेक्टेंगल थी, पर मैंने क्या किया, इसकी कटिंग कर दी, कटिंग करके बीच में गैप कर दिया ताकि एडी करंट ज्यादा लंबा रास्ता कवर कर सके, ऐसे, ये रहा। इससे क्या होगा, लंबा रास्ता होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो इस तरीके से एडी करंट की वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है इंडक्शन फर्नेस की एप्लीकेशन है। इंडक्टेंस फर्नेस के अंदर क्या होता है, आपने एक मेटल का ओर निकाला अर्थ की सरफेस के अंदर से, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं और मेटल भी है, आप क्या करना चाहते हो, मेटल को पिघला के अलग करना चाहते हो ताकि इंप्योरिटीज अलग हो जाए। तो आप क्या करोगे, उसको एक ऐसे रूम में लेके जाओगे और मैग्नेटिक फील्ड बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा चेंज करोगे इस रूम में, उससे क्या होगा, मेटल के अंदर एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगे जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करते हैं। तो इंड्यूस करंट तो अपने आप ही पैदा हो जाएंगे बिकॉज आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो, वो इतने अमाउंट से पैदा हो जाएंगे कि जो मेटल है उसमें इतनी हीट जनरेट होगी कि मेटल पिघल जाएगा और फर्नेस का काम करेगा। ट्रेन की जो ब्रेक्स हैं, जो बिजली से चलने वाली ट्रेन हैं, उनको रोका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स। जब ट्रेन चलती है व्हील के साथ, ट्रेन के अंदर एक कंडक्टिंग, एक मेटल का बना हुआ ड्रम है, वो भी घूमता है घूमता है, तो हम उसको रोकना चाहते हैं ताकि स्पीड स्लो हो जाए, इसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं
ताकि एडी करंट्स मोशन को क्या करे, अपोज, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहे तो एडी करंट्स ऐसे जनरेट करवा देंगे ताकि इसकी मोशन को अपोज किया जा सके और ट्रेन को रोका जा सके। तो ये प्रिंसिपल यूज होगा। लेकिन जिन जगहों पर हम किसी भी मशीन में किसी भी क्वाइल को घुमाना चाहते हैं वहां पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसको घुमाना चाहेंगे लेकिन एडी करंट मोशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। मिक्सी है, मोटर है, उसमें हम चाहते हैं कि क्वाइल घूमे, पर साथ में एडी करंट भी जनरेट हो जाते हैं जो मोशन को अपोज करते हैं। इसीलिए बिजली की खपत ज्यादा होगी, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये इनका डिसएडवांटेज भी रहता है। तो अगर एक नंबर में एडी करंट्स के बारे में आएगा तो आई होप इतना बड़ा सुनने के बाद आप एक नंबर तो ले ही लोगे, आएगा एक नंबर में। क्लियर एप्लीकेशंस और ये कॉन्सेप्ट क्लियर एडी करंट्स का। अब आप हैंड रिटन शीट पे आ जाओ, शीट नंबर 83। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 83 का प्रिंट आउट लें, एडी करंट्स। ठीक, देखो इसके अंदर जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सबसे पहले वो पहले तो यही मेंशनड है कि एडी करंट्स कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है। जैसे मैंने बताया, आप इसकी कटिंग करके एडी करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। कैप ऊपर क्यों उठा, बिकॉज ऑफ एडी करंट, सेम एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बुकलेट के अंदर भी था, मैं अभी बताना भूल गया उससे एंड में। ये रहा, एंड में लिखा हुआ है टू मिनिमाइज एडी करंट्स। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना प्लीज, क्योंकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफॉर्मर के जो कोर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर का जो लोह है अंदर, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का जो लोहा है वो ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। ट्रांसफॉर्मर के लोहे या कोर के अंदर वायर्स लिपटी होती हैं जिसमें एसी करंट जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट आसपास जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेगा और जिसके जिसकी वजह से एडी करंट जनरेट हो जाएंगे किसी भी लोहे के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे एडी करंट जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कि लोहा गर्म हो जाता है और ये तारें सड़ भी सकती हैं और हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। हम इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको शीट्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। शीट्स मतलब हम इसको स्लाइसेस काट लेते हैं, स्लाइस की फॉर्म में, स्लाइसेस काट लो। तो हर ये लोहे की स्लाइस है, ठीक, ये आपस में लैमिनेटेड है, लैमिनेटेड है मतलब आपस में कुछ ऐसा मटीरियल लगा रखा है कि आपस में करंट मिक्स नहीं हो सकते। तो जब करंट चेंज होगा तो एडी करंट हर शीट में डेवलप हो जाएगा। जो एडी करंट हर शीट में डेवलप होगा वो आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक शीट का करंट दूसरी शीट में आ नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ लेमिनेशन, जिस वजह से एडी करंट मिल नहीं पा रहे, हीट मिल नहीं पा रही और लोहा बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ जो एडी करंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं अपने अपने एरिया में। छोटा करंट छोटी हीट जनरेट करता है, बड़ी हीट तब बनती है जब सभी शीट की हीट ऐड हो जाएगी, पर हम ऐड नहीं होने दे रहे बिकॉज हमने उसमें उसको शीट्स में कट करके हमने उसको लैमिनेशन कर दिया हुआ है। तो एडी करंट को कम ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बुकलेट में। मेटल कोर टू बी यूज्ड इन अप्लायंस लाइक ट्रांसफार्मर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स। ईच शीट इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो इंसुलेशन कर रखी है सभी शीट्स की। सच अ कोर इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर विच कन्फाइंस एडी करंट टू इंडिविजुअल शीट्स, हेंस एडी करंट आर रिड्यूस्ड टू लार्ज एक्सटेंट। ये क्वेश्चन आता है व्हाई ये जो लैमिनेटेड कोर्स हम क्यों यूज करते हैं इन अ ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। लिख लेंगे यहां तक, ठीक। देखो, तो अब अपनी इस शीट पे वापस आ जाओ, शीट नंबर 83।
और शीट नंबर 83 में आप चेक कर सकते हो, ये लैमिनेटेड कोर है, देखो ये मेन कोर है, इसको शीट्स की फॉर्म में देखो ब्रेक कर लिया और सबकी लेमिनेशन कर दी, तो इंसुलेटिंग लेयर्स है, तो ट्रांसफार्मर का एग्जांपल भी यहाँ से हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? इस शीट के हेडिंग पे लिखो फॉर एनसीईआरटी, बड़ा बड़ा लिखना ताकि शीट करनी है नहीं करनी पता होना चाहिए, फॉर एनसीईआरटी, ठीक। और इसके आगे लिख सकते हो रेफर बुकलेट, ताकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बुकलेट के अंदर आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम करने वाले हैं, सेल्फ